शिव आज। ओम शांति। 1 सितंबर 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। प्रश्न, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर, जिन्हें गुप्त खुशी होंगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, जो ज्ञान और योग से सत्वप्रधान बनते जा रहे, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे, नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके गले का हार बनना है, देहाभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापिस जाना है, इसीलिए जीते जी देहाभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोतले बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है, बाप है ऊँचे ते ऊँच। मनुष्य जो ऊँचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करता हूँ। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए, हम निराकारी और साकारी उच्च कुल उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है, हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, पहले कौड़ी जैसा था, अभी हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर में तुम्हारे यादगार बने हुए हैं, सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, यादगार भी उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए है तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ होगा। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है, वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलब बे पढ़ते हैं तो पट जमीन में बैठ पढ़ते हैं, फिर नीच फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज के कोच पर बैठते हैं, उनों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का उच्च होता है। तुम तो सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस से भी उच्च हो ना, वह फिर भी देवताओं की संतान है। तुम हो ईश्वरीय संतान, जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए, याद से हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को व्हील कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया, जैसे तुम व्हील करते हो कि बाबा यह सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो संभालो, तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी है, जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं।
शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है, बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएँ है, वही पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वह श्याम यह वह सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वह उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते हैं, गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजा का मर्तबा तो ऊँच है ना, वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती है, यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की है। दिन रात का फर्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता है सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो नशा रहता है ना। तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों को ओबीडियंट सर्वेंट होता है, बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें कर्णिगौर को देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है, देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पली तक कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने यह वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासी को यह भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। वह समझते कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अन आर्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी की जो तालियां निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि होती जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उनों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। या तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, या तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते फा हो जाते हैं। बाबा कहते कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो, यह तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है, बॉक्सिंग है ना, एक ही घुसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं, ऐसे भी नाजुक है। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते बच्चे तुम यह डिसर्विस करते हो, यह ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घुसा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है, शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी उच्च बने, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा उच्च पद हो। बरोबर उच्च पद देते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए, अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं।
लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत उच्च पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुकड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है, अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल, तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सत्वप्रधान बनना है। मुख से सदव्य रतन ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होंगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ तो बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। बाबा के निमित्त सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है, अभी है 100% विशेष वर्ड। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं, फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, श्री बाबा को याद करना है, यह अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो, बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, वो खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रेस्ट किया जाता है, उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का हिसाब लेते हैं, उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं, इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, एक मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमनबाज है, बहुत रमजे माने युक्तियाँ बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होंगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम बाला हो। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज है, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना, इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होना चाहिए। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान की अविनाशी धन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।